देखो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, इसी को गैल्वेनोमीटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो नाम बोले जाते हैं, दोनों में फर्क कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है। एक तो इसको बोल देते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा नाम है इसका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के दो नाम आ सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों में फर्क क्या है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझोगे तो इसमें एक स्पाइरल स्प्रिंग लगता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, स्पाइरल स्प्रिंग कहाँ पे लगता है, अभी कंस्ट्रक्शन जब डायग्राम बनाओगे तब समझ में आ जाएगा। और इस केस में गैल्वेनोमीटर में, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो होती है फॉस्फोरस ब्रोंज नाम की स्ट्रिप लग जाती है स्पाइरल स्प्रिंग की जगह, फॉस्फर ब्रोंज ना, बस दोनों में यही फर्क है कि स्पाइरल स्प्रिंग की जगह अगर ये वाली स्ट्रिप लगा दी, फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप लगा दी, तो उस केस में उसको नाम बोल देते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, जो ये वाला काम करता है वही, ये भी क्या करता है वही काम, बस इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। बट उस केस में जितना ये जैसे काम करता है गैल्वेनोमीटर में वैसे ही ये है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो उस केस में स्पाइरल स्प्रिंग की जगह कौन सी स्ट्रिप यूज कर लेते हैं, फॉस्फर ब्रोंज नाम की स्ट्रिप यूज करते हैं। यानी कि इस केस में ये गैल्वेनोमीटर है, तो इस केस में क्वेश्चन ये आता है कि गैल्वेनोमीटर में नीडल जो है वो तो बीच में रहती है, क्यों, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में करंट चलाओगे तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट चलाओगे तो डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में। दूसरी बात, इसमें डिफ्लेक्शन आता ही क्यों है, और अगर आपने करंट बंद कर दिया तो उस केस में दोबारा से नीडल बीच में क्यों आती है, ये क्वेश्चन माइंड में आते हैं, उसी के जवाब दे रही हूँ कि इस केस में ऐसा क्यों होता है कि डिफ्लेक्शन आता ही क्यों है, और डिफ्लेक्शन अगर एक बार आ गया तो नीडल दोबारा से मिडल में क्यों आ जाती है, ठीक है। इसका गैल्वेनोमीटर का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं अभी, इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि इसका वर्किंग यूज क्या होता है इसका, कि ये फाइंड आउट करंट को डिटेक्ट करने में यूज करता है, कि कोई भी अगर सर्किट के बीच में आपने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया तो ये बता देगा कि उसके इसमें करंट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने में कि करंट चल रहा है उस सर्किट में या नहीं चल रहा है, इसका यूज क्या होगा, किस यूज के लिए हम लेते हैं इसको, कि करंट उस सर्किट में करंट चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, कि अगर किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कोयल रख दोगे तो उस केस में एक टॉर्क लगता है उसके ऊपर। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया आपने, एक करंट कैरिंग कोयल को रख दिया जनरल एंगल पे, तो उसमें टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी का, उस प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है। तो यूज क्या हो जाएगा इसका, अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो यूज लिखना पड़ेगा कि यूज क्या है इसका और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो यूज टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने में यूज होता है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कोयल को रख दिया तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा। थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच होती है, एम और बी। एम क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। बी होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इसमें दो मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट यूज की जाती है वो हॉर्सू मैग्नेट होती है, यानी कि इसके दोनों एंड जो है वो क्या होते हैं, कर्व होते हैं। कर्व क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, बता दियो। इसमें जो मैग्नेट का नाम होता है, इसका क्या नाम होता है, हॉर्सू मैग्नेट। कर्वी शेप की होती है, हॉर्सू नाम होता है इस मैग्नेट का। और बीच में क्या होता है इसके, एक सिलेंडर। इस सिलेंडर को यहाँ पे एक पाइवेट होता है, इसके साथ नीडल होती है, और यहाँ पे स्केल।
ये नीडल स्केल, और इसके साथ यहाँ पे स्पाइरल स्प्रिंग होता है। ये बस पोइवेट है, एक खड्डा है ये मान लो एक प्रकार से, वहाँ पे ये सिलेंडर जो है ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, स्पोर्ट है एक प्रकार से ये, और ये क्या है स्पाइरल स्प्रिंग्स, ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। अब इस केस में ये क्या हो गया कि गैल्वेनोमीटर में जो ये सिलेंडर लगता है ये ऐसे नहीं लगता, इस केस में यहाँ पे पीछे ऐसे मिलता है आपको, ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या होते हैं यहाँ पे मैग्नेट। अब इस केस में ये मैग्नेट ऐसे नहीं है कि यहीं पे पीछे ऐसे मिली होती हैं, ये ऐसे पीछे मिली होती है, जुड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसे, हाँ। अब इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर वायर की जो है वायर रैप की जाती है, यानी कि सिलेंडर पे क्या होती है यदि कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि मैग्नेट होती है, होर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको, इन दोनों के बीच में क्या होता है सिलेंडर होता है, और सिलेंडर के साथ क्या होती है नीडल अटैच होती है, और नीडल क्या होती है यहाँ पे क्या होता है स्केल होता है। सेम इसमें यहाँ पे पीछे क्या होता है सिलेंडर होता है, दोनों साइड में क्या होती है मैग्नेट होती है, और इस केस में नीडल के साथ जो सिलेंडर के साथ क्या होती है नीडल अटैच होती है। अगर इस केस में इसको खोल के देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा, एक सिलेंडर होगा, साइड में मैग्नेट होती हैं, और सिलेंडर के ऊपर वायरिंग की जो है वो क्या किया जाता है उसके ऊपर लपेटा जाता है, रैप किया जाता है, और इस केस में जो नीडल और इसके साथ सिलेंडर के साथ क्या होता है ये नीचे स्पाइरल स्प्रिंग होता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि ये क्या होगा स्पाइरल स्प्रिंग होगा, ये मैग्नेट होती है दोनों साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर वायर की रैपिंग की जाती है, और सिलेंडर के साथ नीडल अटैच होती है, और यहाँ पे क्या होता है स्केल होता है। इस केस में इसके हमने पढ़ा था कि अब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसमें करंट नहीं चला रखा अपने वायर में, वायर में करंट नहीं चल रहा, इसका मतलब इसमें अभी नीडल क्या है इसके ठीक बीच में, क्योंकि आपने इसमें करंट नहीं चला रखा। अगर आप इसको जोड़ दोगे करंट चलाओगे, मान लो आपने वायर में करंट चला दिया आई का, वायर में करंट क्या कर दिया आई का करंट चला दिया, ये जो वायर है ये इसके साथ अटैच होती है, इसमें अगर इसमें देखोगे ये एक एंड इससे अटैच होता है, दूसरा एंड इससे अटैच होता है, ठीक है, ये वाली वायर जो है एक एंड इससे अटैच होता है, एक एंड इससे अटैच होता है, एंड आउट। अब इस केस में अब तक इसमें कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क तब लगता है जब करंट कैरिंग कोयल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनकी वजह से होगी, मैग्नेट क्या होगी मैग्नेट की वजह से क्या होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें क्या रख दिया आपने करंट कैरिंग कोयल, तो इसके ऊपर क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, अगर एक करंट कैरिंग कोयल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो कितना टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी के इक्वल, तो इस एम क्रॉस बी तो एम बी साइन थीटा, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कोयल को रख दोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा कितना एम क्रॉस बी का, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होती है रेडियल। इस केस में ये मैग्नेट की शेप कनकेव इसीलिए ली गई है कि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच या फिर एरिया वेक्टर के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच एंगल क्या रहे हमेशा 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होती है यहाँ पे कि एम और बी के बीच हमेशा एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, और टॉर्क जो है वो कांस्टेंट लगता है एम बी के इक्वल हमेशा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर बोल दिया तो इसका मतलब ये है कि एम और बी के बीच जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। 3D में समझाना है पॉसिबल नहीं है कि किस तरीके से होंगी, हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट कोयल के प्लेन में से ही पास करेंगी, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी इसके कोयल के प्लेन में से पास करेंगी, तो यानी कि और डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि करंट अगर ऐसे चल रहा है तो डायपोल मूवमेंट अंदर की तरफ आ जाएगा, करंट अगर ऐसे चल रहा है प्लेन के क्या होता है हमेशा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट परपेंडिकुलर, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती है कि एम और बी के बीच एंगल क्या रहे हमेशा 90 डिग्री, उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस केस में ये नीडल अगर आपने करंट चलाया तो नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, तो ये वापसी कैसे आती है, जो स्पाइरल स्प्रिंग है ये एक और टॉर्क लगाता है रिस्टोरिंग टॉर्क,
अगर एक टॉर्क यहाँ पे दो टॉर्क लगते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है और एक स्पायरल स्प्रिंग की वजह से लगता है रिस्टोरिंग टॉर्क। इसका भी एक कांस्टेंट होता है, स्पायरल स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। स्पायरल स्प्रिंग का भी एक कांस्टेंट होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जैसे लीनियर स्प्रिंग जो होता है, आपने लीनियर स्प्रिंग पढ़ा है, लीनियर स्प्रिंग में मतलब मास है, इसका क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। इसी प्रकार स्पाइरल स्प्रिंग का भी एक टॉर्सनल कांस्टेंट, इसके कांस्टेंट को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, अगर आपने करंट चलाया तो नीडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगता है उसके अपोजिट में, गुड मॉर्निंग जी, उसके अपोजिट में क्या लगेगा, स्प्रिंग का अपना टॉर्क लगाएगा, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे इसमें लीनियर स्प्रिंग में आपने ब्लॉक को दबाया, स्प्रिंग को अगर आपने कंप्रेस किया है तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगता है, अपोजिट में लगता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगता है, अपोजिट में लगता है हमेशा। तो सेम इसमें जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लगेगा उसके अपोजिट में क्या लगेगा, स्प्रिंग का टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर एक डायरेक्शन मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इधर लग रहा है तो इसका स्पाइरल स्प्रिंग का जो टॉर्क अगर रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, इधर। अगर इसमें करंट डिफ्लेक्शन, नीडल हमेशा बीच में रहती है, इसमें एक डायरेक्शन में करंट चलाओगे तो डिफ्लेक्शन क्या आता है, एक डायरेक्शन में, तो उस केस में स्पाइरल स्प्रिंग का मान लो नीडल में डिफ्लेक्शन इधर आया तो टॉर्क इधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो स्पाइरल स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा, इधर। अगर नीडल में डिफ्लेक्शन इधर आया तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इधर, स्पाइरल स्प्रिंग का टॉर्क यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा, इधर लगेगा। हमेशा जो है रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो इसको हमेशा अपनी उसी पोजीशन पे लाने में हेल्प करता है। अगर ये ना होता, स्पाइरल स्प्रिंग अगर ना होता तो उस केस में आपने हल्का सा करंट चलाया, नीडल क्या हो जाती, तुरंत डिफ्लेक्ट वापस ही नहीं आती, टूट जाती वो। तो इस केस में स्पाइरल स्प्रिंग जो होता है ये इसको दोबारा से उसी पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। और ये जितना इस केस में, और टाउ इसकी टॉर्क की वैल्यू होती है, रिस्टोरिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो सी थीटा के इक्वल। सी यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट होगा और थीटा ये कितना एंगल घूम गया। अगर ये एंगल मान लो पाई बाय टू घूमा, ये फिर पाई बाय थ्री, जितना ज़्यादा एंगल घूमता है उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। अगर मान लो आपने 1 एम्पियर करंट चलाया तब जो टॉर्क लगेगा, अगर आपने डबल कर दिया करंट को तो टॉर्क भी क्या लग जाएगा उसका, डबल। तो जितना ज़्यादा एंगल घूमेगा उतना ज़्यादा क्या लगता है इसमें, टॉर्क लगता है, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो थीटा भी, डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा वो एंगल घूमेगी रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या लगेगा, उतना ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो किस में हेल्प करता है, उसको दोबारा से उसी पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। यहाँ तक समझ आ गया, किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट? अब देखो इसमें, अगर ये इस केस में, कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उस केस में जो नीडल है वो एक बार चली तो जाती है पर वापसी नहीं आती। उस केस में क्या होता है कि उसका या तो स्पाइरल स्प्रिंग है वो खराब हो रखा है या फिर वो ढीला हो चुका है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या उसके कम चुकी है, तभी वो क्या होता है वापसी नहीं आता। यानी कि उसमें ये जितने भी इसमें गैल्वेनोमीटर में जो पार्ट्स लगते हैं वो सारे के सारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इतना हल्का होता है ये। अगर इस केस में ये खराब हो गया तो उस केस में, और एक पार्ट चेंज भी नहीं करा जा सकता, एक पार्ट इसमें अगर मान लो ये खराब हो गया, इसको चेंज करने की आप कोशिश करोगे तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक्सपर्ट ही, अगर आपने इसको खोल भी दिया तो एक्सपर्ट ही इसको बंद कर सकते हैं, आप तो बंद भी नहीं कर सकते, एज इट इज जैसे ये है उसी की तरह। तो इस केस में अगर एक पार्ट इसमें खराब हो गया तो पूरा गैल्वेनोमीटर ही खराब हो जाएगा उसमें, तभी इसमें अगर ये एक भी पार्ट अगर खराब होता तो अच्छे से डिफ्लेक्शन भी नहीं आ पाता, अगर नीडल चली गई तो उसको झटके मार मार के वापसी लाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो काम करता है गैल्वेनोमीटर, ये अभी जो गैल्वेनोमीटर है ये 2 या 4 वोल्ट या 10 वोल्ट तक ही अगर आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करोगे तभी इसमें डिफ्लेक्शन, अगर आपने सीधा इसको 220 के अक्रॉस जोड़ दिया तो ये फट जाएगा, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई है कि ये बहुत कम वोल्ट पे ही काम करता है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट या मैक्सिमम 10 वोल्ट तक इसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो ये वर्क करता है। ठीक है, तो इस केस में अगर 220 वोल्ट की डायरेक्ट आपने कनेक्ट कर दिया तो उस केस में ये वर्क ही नहीं करता, फट जाएगा ये। यहाँ तक कुछ पूछना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि नीडल जो है जहाँ पे आपने अगर करंट चलाया तो वहीं की वहीं रुक क्यों जाती है, मान लो 1 एम्पियर करंट चलाया तो रुक जाती है।
अगर 1 एम्पियर ही चलता रहे तो नीडल वहीं की वहीं रहती है, तो वो वहाँ रुक क्यों जाती है? और करंट हटाते ही क्या हो जाएगी, वापसी बीच में आ जाती है, तो बीच में दोबारा से आती है वो तो किसकी वजह से? स्पायरल स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग टोर लगाता है उसकी वजह से, और इसकी वैल्यू होती है सी थीटा के इक्वल। अब ये वहीं की वहीं क्यों रुक जाती है? अगर आपने करंट चलाया तो 1 एम्पियर का करंट चलाया तो डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर आता है इसमें, तो उस केस में ये वहाँ क्यों रुकता है? क्योंकि यहाँ पे दो टॉर्क लगते हैं, अभी बताया, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है और एक किसकी वजह से लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। उस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क है वो और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होते हैं उसमें, इक्वल होते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वहाँ पे, क्या होती है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। ये जो घूमेगी, जो ये घूमता है, ड्रम घूमता है, तो कोयल भी घूमेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच का एंगल होता है, जितना ज़्यादा ये घूमेगा तो टॉर्क भी क्या लगेगा, उतना ही ज़्यादा लगता है। ये ड्रम जो घूमेगा, मान लो पहले ऐसे था ये, तो ये घूमेगा तब भी, तो इसके इसमें आपने करंट चलाया तो ये घूमता है, टॉर्क लगता है इसके ऊपर, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की परमानेंट मैग्नेट होती है, कौन सी होती है, परमानेंट मैग्नेट। एक बार आपने मैग्नेट रख दी तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वही रहेगी, चेंज नहीं कर सकते आप, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होती है, आपको मैग्नेट फिर चेंज करनी पड़ेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी है तो, ठीक है। तो ये क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं इसको, क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट की जो शेप होती है वो कर्व होती है। अभी कोयल ऐसे है, मान लो करंट नहीं चला रहा तो बीच में घूमेगी नहीं तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, अगर आपने करंट चला दिया तो ये कोयल घूमती है, रेक्टेंगुलर कोयल होती है, सर्कुलर कोयल बोलते इसको, तो ये घूमती है ऐसे, तो घूमेगी तो पहले ऐसे थी तो थीटा एंगल घूमगी मान लो, तो उस केस में ये भी क्या लगाता है, उतना ही एंगल, जितना एंगल ये घूमती है गिवन होगा कि इस केस में जो एम और बी के बीच का एंगल होता है ये थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। अब इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कि नीडल अगर डिफ्लेक्शन आया तो वहीं की वहीं क्यों रुक जाती है, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, उस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क होगा और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क होगा और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क होता है वो दोनों क्या होते हैं, उस टाइम पे इक्वल होते हैं, तो नीडल वहीं की वहीं रहती है। अगर आप करंट बंद कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पायरल स्प्रिंग दोबारा से रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा और वो क्या आ जाएगी, बीच में नीडल। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क होता है वो एम क्रॉस बी और रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो सी थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड के द्वारा जो टॉर्क होता है वो हमेशा कांस्टेंट लगता है इस केस में, क्योंकि एम और बीच के एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी के इक्वल, कांस्टेंट टॉर्क लगता है, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी थीटा के इक्वल। तो साइन यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है एम और बी के बीच वो क्या रहती है, हमेशा 90 डिग्री, एम और बी के बीच हमेशा एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो एम बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, सी थीटा के इक्वल, एम बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी थीटा के इक्वल। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो, और एम को क्या लिख सकते हो आप, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कि करंट कैरिंग कोयल की वजह से, वो करंट कैरिंग कोयल की वजह से नहीं होता, वो परमानेंट मैग्नेट की वजह से होता है, एम इंटू में 2L, वहाँ पे एम स्मॉल एम जो होता है वो कांस्टेंट होती है। अगर एक करंट कैरिंग कोयल की वजह से पूछा गया है तो NIA होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स, I उसमें से पास करने वाला करंट, और A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस केस में एम बी यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एम की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो इसमें, NIA, एम की वैल्यू हो जाएगी एन आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एन आई ए बी बाय में सी, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एन आई ए बी बाय में सी। कुछ पूछना है, इस वाले कोइल में एम वेक्टर ऊपर होगा, ये ऐसे है रखा हुआ है, इस केस में एम वेक्टर अगर करंट ऐसे चल रहा है इधर होगा या फिर अंदर होगा, ऊपर क्यों होगा, अगर इसमें ऐसे डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो आप 3D में तो बना नहीं सकते इसको, मैं ऐसे तो बना नहीं सकती, तो इस केस में ऐसे करंट अगर चल रहा है तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, अगर इसकी बात करते तो यहाँ पे या तो करंट क्या होगा इस केस में, इधर होगा या फिर इधर होगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये 3D में ऐसे लगा होता है, ये ऐसे नहीं लगा होता इसके ऊपर, मैंने पहले ही बताया था कि जो ये लगता है ये ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगा होता है। तो इस केस में कोयल या करंट या तो ऐसे चलेगा इसमें या फिर ऐसे अपोजिट में, या तो ऊपर होगी मैं डायपोल मोमेंट या फिर नीचे होगी, समझ में आ गया।
अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एन आई ए बी माई में सी। अब एन बी यहाँ पे फिक्स होते हैं, आपने जितने टर्न्स इसके ऊपर हैं वो फिक्स होते हैं, 300 अराउंड 300 400 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इस केस में एन की वैल्यू फिक्स है, आई की वैल्यू करंट इसमें इसमें, ए की वैल्यू फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है फिक्स है, बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट मैग्नेट है, बी फिक्स है यहाँ पे, और सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे फिक्स। तो थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आई के। अगर करंट ज़्यादा, अगर आई की वैल्यू डबल तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी डबल, और आई की वैल्यू ट्रिपल तो थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ट्रिपल। उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है इसमें, करंट जितना ज़्यादा आप चलाओगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा आता है। तो इस केस में थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई के। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितने आपने वायर के इसके ऊपर टर्न्स के गए, एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या हो जाएगा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड और सी होता है इसमें टॉर्सनल कॉन्स्टेंट। तो आई की वैल्यू फिक्स, आई की वैल्यू अगर डबल तो थीटा भी क्या हो जाएगा इस केस में डबल। अभी इसमें दो क्वेश्चन, एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसमें, यानी कि एम बी इक्वल टू क्या होता है सी थीटा। यहाँ पे चार बातें हैं, चारों में से कोई तीन देगा और चौथी पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या फिर इनमें एन आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी थीटा। यहाँ पे छः बातें हैं, छः में से कोई भी पाँच दे देगा, सिक्स आपसे पूछ लेगा, ठीक है। इस केस में सब इम्पोर्टेंट है, इस केस में तीन ही फॉर्मूले हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ से लिखोगे तो पूरा ही आएगा, उसमें आपको प्रिंसिपल यूज भी लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी, कंस्ट्रक्शन भी, और इस केस में ये सारे फॉर्मूले भी। बट अगर उसके कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखोगे तो इसमें तीन ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं पर बेस क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इस केस में इसको लिखो थीटा इक्वल टू जो है, इस केस में थीटा इक्वल टू क्या है एन आई ए बी बाय में सी के इक्वल। अब इस केस में एन आई बे थीटा इक्वल टू लिखो एन आई ए, एन ए बी डिवाइड बाय में सी इंटू में आई। इसको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन ए बी बाय सी, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको, एन ए बी बाय में सी करंट सेंसिटिविटी। हाँ पूरा ही एन ए बी बाय में सी इंटू में आई, इसमें एन ए बी बाय सी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलोगे करंट सेंसिटिविटी, एन ए बी बाय सी को अगर करंट सेंसिटिविटी की बात आ जाए तो वो क्या होगा एन ए बी बाय सी। इसका मतलब क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में अगर 1 एम्पियर का करंट चलाओगे तब जो डिफ्लेक्शन आता है उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, और इसकी जो यूनिट होगी वो होती है एम्पियर पर डिवीजन पर एम्पियर, या फिर इस केस में बोल दो इस केस में रेडियन पर एम्पियर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन पर एम्पियर बोल दो या फिर डिवीजन पर एम्पियर बोल दो। करंट सेंसिटिविटी लिख लो, इफ 1 एम्पियर करंट, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, If 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। When 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए बी बाय में सी। 1 एम्पियर का करंट चलाने में जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट? एम्पियर रेडियन पर एम्पियर या फिर डिवीजन पर एम्पियर? रेडियन पर एम्पियर बोल दो या फिर डिवीजन पर एम्पियर बोल दो।
जहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये है, एक इसमें r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको r से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए बी बाय में c इंटू में i इंटू में r बाय r। r से क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, r से r मल्टीप्लाई कराई है डिवाइड भी कराए तो कैंसिल थोड़ी ना करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए बी बाय में c इंटू में i इंटू r को क्या लिख सकते हो v, i इंटू r को v या जाएगा आपके पास। इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वन वोल्ट अप्लाई करने पे जो डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वन वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, व्हेन वन वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस ब्रैकेट वाली टर्म को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। व्हेन वन वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसका फॉर्मूला होगा एन ए बी बाय में सी आर। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आर क्या है इसका रेजिस्टेंस। खुद का गैल्वेनोमीटर आइडियल गैल्वेनोमीटर होता ही नहीं क्योंकि इसमें आपने वायर की रैपिंग की है तो वायर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इस केस में ये जो रेजिस्टेंस है ये गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस आप जोड़ते हो सर्किट में वो नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर का खुद इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आर ये जीरो नहीं हो सकता, अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी आप जीरो मानते हो, आइडियल में रियल में जीरो नहीं होता। आइडियल गैल्वेनोमीटर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आपने वायर इसके ऊपर टर्निंग की है तो इस वायर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वायर टर्निंग कम नहीं होती 300-400 होती है तो खुद का क्या होगा इसका रेजिस्टेंस होगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आर आर इसकी होती है यूनिट होती है वोल्ट डिवीजन पर वोल्ट, इसकी यूनिट होती है डिवीजन पर वोल्ट। हाँ लिख सकते हो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है एनी डाउट। इन तीन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, एक ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और यहाँ पे एन ए बी बाय में सी यानी कि इसके ऊपर एन आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी थीटा, इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन। इन सभी में से कोई एक मिस कर देगा फोर्थ आपसे पूछ लेगा और एक डायरेक्ट इसमें टॉर्क भी पूछ लेता है कि टॉर्क कितना लगेगा। सी की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, जैसे के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है उसी प्रकार टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी। स्प्रिंग की हर स्प्रिंग की अलग अलग होती है। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना तो पूछ सकता है। एनी डाउट। अब इस केस में हम गैल्वेनोमीटर को एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं, एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो गैल्वेनोमीटर है, आपने इस केस में 1 एम्पियर का करंट चलाया, वहाँ पे मार्क कर दो कि जहाँ पे डिफ्लेक्शन आया वहाँ पे परमानेंट मार्कर से क्या लिख दो 1 एम्पियर। फिर आप क्या करंट चलाओ 2 एम्पियर का, तो वहाँ पे भी परमानेंट मार्कर से क्या लिख दो 2 एम्पियर। फिर ऐसे ही 3 एम्पियर का करंट चलाओ 4 एम्पियर का, तो मार्कर से लिखते जाओ 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा एक एमीटर, बट ये फॉल्टी एमीटर होगा। क्या होगा? फॉल्टी एमीटर, क्योंकि इसका भी खुद का क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, जीरो रेजिस्टेंस हम नहीं कह सकते एमीटर का भी। ठीक है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि इस केस में हम जीरो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, इस केस में एक दो टन ही ले लो बस, इसके एन की वैल्यू क्या ले लो आप एक दो टन्स कर दो तो जीरो लगभग क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो ऐसा करोगे तो डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा, अगर आप 1 एम्पियर करंट चलाओगे तो डिफ्लेक्शन ही आएगा क्योंकि इस केस में सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी उसकी खराब। एन की वैल्यू कम तो मैग्नेटिक टॉर्क भी क्या लगेगा उस केस में कम लगेगा, और एन की वैल्यू अगर कम करोगे तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी कम, तो हम इसका जीरो रेजिस्टेंस कर ही नहीं सकते। कई स्टूडेंट कहते हैं कि इस केस में इनफाइनाइट कर सकता है, अगर जीरो नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट तो कर ही सकते हैं, इसमें टन बढ़ा दो आप 2000-3000 टन कर दो, उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर आपने इतने टन कर दिए तो ये क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा पहली बात,
दूसरी बात, इसमें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आर की वैल्यू अगर बढ़ गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी इस केस में, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी उस केस में हम आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर तो बना ही नहीं सकते गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं शंटिंग, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर हमें सही रीडिंग निकालनी होती है तो आइडियल वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एमीटर होते ही नहीं, तो हम क्या करते हैं उस केस में, शंटिंग करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसलिए ना तो इसका जीरो रेजिस्टेंस किया जा सकता, ना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किया जा सकता। अगर जीरो करोगे तो उसमें टॉर्क भी कम लगेगा और करंट सेंसिटिविटी भी क्या होगी, उसके ऊपर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट। अगर आपने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया, टर्निंग बहुत ज़्यादा कर दी, तो उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, अब से जितना पढ़ाया। दो मिनट आपके पास। कौन से टॉर्क की वैल्यू, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। बातें करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि टाउ टॉर्क जो होता है वो फिक्स नहीं होता। अगर फिक्स होता तो उस केस में अगर आप 1 एम्पीयर, मान लो आपने, सुन लो, यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है, क्यों होती है, देखो। अगर मान लो टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम बी साइन थीटा के इक्वल। मान लो एक बार मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दी आपने, फिक्स कर दी, चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में अगर थीटा की वैल्यू 0 to 90 अगर आप बढ़ाओगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल होगी कि नहीं, टॉर्क की वैल्यू वेरिएबल होगी। तो उस केस में अगर टॉर्क की वैल्यू वेरिएबल, तो आपने 1 एम्पीयर का करंट चलाया तो डिफ्लेक्शन मान लो आ गया। अगर आप 2 एम्पीयर का करंट चलाओगे तो उस केस में डिफ्लेक्शन डबल नहीं आएगा फिर आगे, क्योंकि टॉर्क भी क्या लग रहा है, वेरिएबल लग रहा है। तो 1 एम्पीयर का करंट चलाने में जो डिफ्लेक्शन आया, 2 एम्पीयर का करंट चलाने में डबल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को करने में। तो इसलिए अगर एम बी को फिक्स कर दिया तो उस केस में टॉर्क वेरिएबल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर चेंज करोगे तो टॉर्क क्या लगेगा, वेरिएबल। और डिफ्लेक्शन अगर मान लो आपने 1 एम्पीयर चलाया तब जो डिफ्लेक्शन आया, 2 एम्पीयर चलाने में डबल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 3 एम्पीयर चलाने में ट्रिपल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वेरिएबल चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो उस केस में एम और बी के बीच, तो इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होते हैं कि बी भी चेंज होती है, बी की डायरेक्शन भी चेंज होती है, और इस केस में अगर थीटा चेंज करोगे तो डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज, दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है। और कुछ इस तरीके से होते हैं कि एम और बी के बीच, जो बी है वो हमेशा प्लेन में से ही पास करेगी और एम और बी के बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा इस केस में, तो टॉर्क कॉन्स्टेंट लगेगा एम बी के इक्वल। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, अभी जितना पढ़ाया। यानी कि नोट करके लिख सकते हो, एम एंड बी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज बी इज रेडियल, रेडियल, रेडियल में, रेडियल का मतलब कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कॉन्स्टेंट, यानी कि थीटा बी की, रेडियल वर्ड आ गया, तो एम और बी के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। कहीं पे भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर लिया तो इसका मतलब एंगल जो 90 डिग्री रहेगा, बी की डायरेक्शन चेंज होगी। इसलिए इस केस में शेप ऐसी ली जाती है। ये भी पूछ लिया कि शेप कनकेव क्यों होती है, जो आप मैग्नेट यूज़ करते हो उसकी जो शेप होती है वो कनकेव क्यों होती है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड और बी के बीच, बी और एम के बीच एंगल क्या बना रहे, 90 डिग्री। दो मिनट आपके पास। पूछ क्या सकते हो कि टॉर्क कितना लगेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगेगा, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, इन दोनों के फॉर्मूले। किसी को कोई भी बात समझ ना आए तो पूछ सकते हैं।
हाँ, नीचे एक वायर होती है उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, अगर ये इधर तो ये इधर लगा देता है। हाँ जी दिव्य, टॉर्क कितना लगता है? मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? और रिस्टोरिंग टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? एम क्रॉस बी होती है, बस सीधा। मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं पूछा क्या होता है। टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, यानी कि एम क्रॉस बी। मैंने दो टॉर्क लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और रिस्टोरिंग टॉर्क स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से। अगर स्पाइरल रिस्टोरिंग टॉर्क पूछा है तो आप सी थीटा बोलोगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा दो टॉर्क लगता है अगर वो पूछ लिया तो एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा। हाँ जी, करंट सेंसिटिविटी क्या फॉर्मूला? संदीप, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? NAB by C into R होता क्या है? डेफिनेशन क्या होगी, कैसे एक्सप्लेन? ये तो फॉर्मूला हो गया NAB by में CR। हिंदी में बता सकते हो? मैंने दोनों में बताया आपको। एक वोल्टेज है 12 मीटर के अक्रॉस पास नहीं है। अगर एक हमेशा पास नहीं की जाती है, उसके अक्रॉस लगाई जाती है वोल्ट, करंट पास किया जाता है हमेशा, वोल्टेज उसके अक्रॉस जोड़ी जाती है। ठीक है, हाँ जी, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? मैम, मैंने संदीप से वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछा, उसने एन ए बी बाई सी बोले, आई नहीं आएगा उसमें। एन ए बी बाय सी की वैल्यू को ही करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। आप बता दो मेरे को, करंट सेंसिटिविटी होती क्या? आप बता दो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करके दिखा दो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन करके दिखा दो। ये टॉर्क की वैल्यू बतानी है। अगर आपको क्या दरखा 100 टर्न्स दे रखे हैं, इसमें रेक्टेंगुलर कोयल बोल दो या फिर इस केस में सर्कुलर कोयल बोल दो। लेंथ दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर कैरिंग है, करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5 टेस्ला, और इसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री, वो प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। टॉर्क की वैल्यू बता दो कितनी होगी? ये बोला गया था कि ना ये सब्जेक्टिव भी है बट ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, दोनों से है, ये बोला गया था आपको स्टार्टिंग में। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो जितना बोला गया है पूरा का पूरा लिखना है, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा उस केस में। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी और टॉर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। Thank you.
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको इतनी सारी वैल्यू दे रखी हैं, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको टाउ इक्वल टू एन आई ए बी थीटा लगाना है, एन आई ए बी यानी कि एम बी साइन थीटा। हो गया एंगल 60 किस किसने लिया? इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला एंगल प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है, यहाँ पे थीटा एम और बी के बीच होता है। तो इस केस में अगर ऐसा दे दिया प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल दे दिया, तो आप 90 में से माइनस कर दो जो एंगल आपको गिवन है, तो 30 डिग्री लोगे आप इसमें, ठीक है। तो इस केस में टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी यानी कि एम बी साइन थीटा, एन एम की वैल्यू पुट करोगे एन आई ए बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा जो पुट करोगे वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ द कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल अगर 60 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 90 में से माइनस करोगे उसको। तो इस केस में एम की वैल्यू दे रखी, एम एन आई ए एन की वैल्यू है 100 इंटू में आई की वैल्यू दे रखी आपको 10 एम्पियर इंटू में ए की वैल्यू 0.2 इंटू में 0.4 मीटर में कन्वर्ट करोगे, सारा ऐसा ही में लेके चलोगे, सेंटीमीटर में गिवन आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, इंटू में बी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 एनी डाउट? हाँ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, सॉरी। ये कर दो, हो गया होगा। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको 20, एन की वैल्यू दे रखी है 20, रेडियस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर,
और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, बी की वैल्यू दे रखी है 0.10 टेस्ला. फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोयल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोयल, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई की गई है, तो एम और बी के बीच जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ही मैग्नेट डायपोल मोमेंट होता है और उसी के अक्रॉस इसी नॉर्मल के अलोंग ही क्या अप्लाई कर दी मैग्नेटिक फील्ड. तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. तो टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0. तो फर्स्ट केस में टॉर्क क्या लगेगा, 0 लगेगा, लगेगा ही नहीं, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0. सेकंड केस में इन द प्लेन ऑफ कोयल, प्लेन ऑफ द कोयल जो प्लेन है उसी के प्लेन में ही अप्लाई कर दी, तो इसका मतलब एम और बी के बीच जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री. एम और बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा सेकंड केस में, 90 डिग्री. सेकंड केस में थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री. ये प्लेन है, इसी प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी. मान लो इस केस में आपको प्लेन दे रखा है ये वाला, ये प्लेन है, इसी के प्लेन में मान लो मैग्नेटिक ऐसे अप्लाई कर दीजिए, ऐसे अप्लाई कर रखी है मैग्नेटिक फील्ड, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो बी और एम के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी इसमें. तो टॉर्क कितना लग जाएगा, एम बी के इक्वल, एम की वैल्यू एन आई ए इंटू बी, एन की वैल्यू पुट करोगे 20, आई की वैल्यू 5, एरिया सर्कुलर कोयल दे दी तो पाई आर स्केल, पाई आर स्केयर, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.1 का स्केयर, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करोगे, इंटू में बी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 0.10. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, पाई आ जाएगा इसका आंसर सेकंड का. फोर्स में पूछा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द कोयल व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 60 डिग्री, 0 ही होगा. कि ये बताया गया था कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग क्लोज लूप रख दिया तो उस केस में उस पर जो फोर्स लगता है नेट फोर्स 0 होता है. तो आंसर आ जाएगा फोर्स की वैल्यू थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी दे रखी हो. ये स्टार्टिंग में जो फोर्स पढ़ाया था मैग्नेटिक फोर्स, तो बताया गया था अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग क्लोज लूप रख दिया तो उस केस में नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लगता है. तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, 0. किसी को इस पूरे टॉपिक में से किसी को कुछ पूछना है, नहीं? इसमें पूछा है फोर्स पूछा है, तो फोर्स ये क्लोज लूप है, अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रख देते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है. ये बताई गई थी बात, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग क्लोज लूप रख दोगे तो नेट फोर्स जो लगेगा वो 0 लगता है. थीटा की वैल्यू चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, फोर्स की वैल्यू तो 0 ही आएगी. किसी को कुछ पूछना है पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में से? ठीक है, आज की लेसन.